Hello guys, welcome to session number 25 and आज से मैं थोड़ा सा वो चेंज कर रहा हूँ. मतलब यू नो हाउ वी वर डूइंग द सेशंस, वी विल चेंज द पैटर्न अ लिटिल बिट. दिस इज बिकॉज हम लोगों ने क्या किया था कि जनरली जो थियोरी पार्ट्स है वो सब थियोरी वगैरह हम लोगों ने पढ़ा एंड देन वी ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स. बट नाउ दैट द एग्जाम इज नॉकिंग एट आवर डोर, वट वी हैव टू डू इज वी हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना. और सो वट आई विल डू इज इन टूडे सेशन आई विल फोकस मेनली ऑन सब प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन द चैप्टर ऑफ कॉम्बिनेटरिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑन दीज टू चैप्टर्स आई विल प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस. ठीक है, तो वहां से तुम लोग को पता चल जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आया, मतलब जनरली आता है. So I will be covering the concepts of combinatorics and probability of both, I am Rohtak as well as I am Indore. ठीक है, और उसके अलावा मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चन दे दूंगा जस्ट आफ्टर द क्लास. सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस एंड एज वेल एज आज का सेशन अच्छे से रिवाइज कर लेना, आज का सेशन अच्छे से कर लेना. ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा तुम लोग खुद से ट्राई करो. आई विल गिव यू टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड देन ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू आउट विद द आंसर्स. ठीक है, एंड नंबर थ्योरी जो हम लोग अभी कर रहे थे, देयर ओनली यू नो टू और थ्री थिंग्स वर लेफ्ट इन द सेट ऑफ स्लाइड्स ओवर देयर. दोज थिंग्स आर बेसिकली फॉर्मैट्स लिटिल थियोरम. देन वी हैव फॉर्मैट्स लिटिल थियोरम से रिलेटेड हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत क्वेश्चंस किए थे, वी ऑलरेडी नो व्हाट इट इज. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव सर्टन अदर थिंग्स लाइक यू नो द ऑयलर्स थियोरम एंड ऑयलर्स थियोरम के बाद विल्सन्स थियोरम एक और चीज है. ठीक है, तो वो सब तुम लोग पढ़ लेना वहां से. ओके, इट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम. ठीक है, आराम से हो जाएगा. ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडे सेशन. ठीक है, ओके, आई होप दैट यू गाइस कैन सी द स्क्रीन ओवर हियर, राइट. एक सेकेंड, ओके, या लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. सो what we will do is we will start with the problem solving sessions of combinatorics and probability. ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आई एम रोहतक का कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, उसके बाद आई एम इंदौर वाला क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस. ठीक है, बहुत आसान, पहले आई एम रोहतक वाला क्वेश्चंस है तो वो थोड़ा बहुत काइंड ऑफ आसानी है. ठीक है, सो इट सेज दैट अ बैग कंटेन्स फोर ब्लू बॉल्स, फाइव व्हाइट बॉल्स एंड सिक्स ग्रीन बॉल्स. टू बॉल्स आर चोजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द बॉल्स इज व्हाइट. बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो. जल्दी से सॉल्व करो और आंसर बताओ. Okay, I have got an answer option D and option A is the answer from Harsh. Okay. बाकी लोग सब लोग ट्राई करो, सब लोग एवरीबडी. I'll give a minute more, a minute or two. Think about it. Does anyone think it's option C, 4/21? देखो देखो,
ओके इट्स नॉट डी, ठीक है ठीक है। क्या होगा, बाकी लोग भी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स करो, क्या आंसर आ रहा है तुम लोगों का। इट्स सी, ओके दैट्स द आंसर फ्रॉम विशाल। विशाल का ऑप्शन आंसर आ रहा है सी। हर्ष, डू यू वांट टू चेंज योर आंसर फ्रॉम ऑप्शन ए टू ऑप्शन सी और एनीथिंग लाइक दैट? सही है, ओके ऑप्शन ए ही है, ठीक है बढ़िया। ठीक है, चेंज नहीं कर रहा, सही गलत मैं बताऊंगा, ठीक है बढ़िया। ओके ऑप्शन ए इज द आंसर फ्रॉम मोमिता एज वेल, ठीक है ओके। तो सबसे पहले विशाल के पास जाते हैं। विशाल, कैन यू टेल मी व्हाई इज इट ऑप्शन सी? या प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल बीइंग वाइट इज 5/15 एंड द ओके सेकंड बॉल फाइव बीइंग अपॉन नॉन फिफ्टीन, वाइट, ओके ऑल राइट, या सेकंड बॉल नॉट राइट, सेकंड बॉल नॉन वाइट इज 10/14 टेन अपॉन 14, ओके एंड हेंस एंड इफ सिंपली मल्टीप्लाई नो देम देन यू आर गोइंग टू गेट टू अपॉन फोर अपॉन, 21 यू आर गेट टू अपॉन 21, ओके। And then you add first ball non-white and the second ball white. Okay. Then you are going to get 2 upon 21 plus 2 upon 21. Hence, that is 4 upon 21, Four. right? Okay. Okay. Harsh, do you want to counter his points over here? What is your logic? Do you want to counter his Vishal's points over here? You can एक unmute पॉइंट तो yourself. हाँ बताओ, मैंने सिर्फ एक ही बॉल कंसीडर करी, आ दोनों भी तो व्हाइट हो सकती थी, वो वाला केस नहीं लिया। ओके दोनों भी व्हाइट हो सकता है, वो वाला केस नहीं लिया, ठीक है। तो और फिर दूसरा, हाँ रिप्लेसमेंट के बारे में तो हमें कुछ गिवन नहीं है ना, नहीं, रिप्लेसमेंट के बारे में कुछ दिया नहीं है, बस दो तो बॉल फिर मान लो, विशाल दो सर बॉल एक साथ उठा लिए तुम लोग, तुमने तो फिर क्या होगा, रिप्लेसमेंट का कोई सवाल नहीं आता यहाँ। तो क्या होगा, तुम्हारा आंसर सही है। हाउ डिड यू गेट 10/21? अगर वैसे करते तो 5c1 से एक व्हाइट बॉल चूज करा हाँ और दूसरी कोई सी भी हो सकती थी, दैट्स व्हाई 10c1 अपॉन में 15c2 कर दिया। ओके तो यहाँ पे विशाल का मेथड क्यों गलत है, मतलब हाउ इज ही रॉन्ग ओवर हियर? दैट इज विशाल इज टेलिंग दैट पहला बॉल मैं 5/15 तरीके से उठा दूँ, मतलब दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ व्हाइट बॉल, देन मल्टीप्लाई दैट विथ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ दिस थिंग अनादर बॉल, देन आई देन रियलाइज दैट डाल वाला सही है, क्योंकि उसमें एक बॉल निकल गई, उसके बाद दोबारा डाली नहीं जाती। क्या क्या फिर से बताओ, एक बार निकाल लिया तो दूसरा बॉल डाला नहीं जा रहा है। ओके ऑलराइट सो दैट्स व्हाई आई फील ऑप्शन सी मिसाल वाला सही है। ओके 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 ठीक है, हर्ष ने आंसर चेंज कर लिया। मोमिता, व्हाट डू यू थिंक? यू आल्सो गिव एन आंसर राइट, दैट इज 10/21, सो व्हाट डू यू हाँ, थिंक तो अबाउट दिस? मुझे स्टार्टिंग में वही हर्ष ने जो बताया मैंने भी वही सोचा था। हाँ तो अभी क्या सोच रहे हो?
विशाल वाला सही लग रहा है क्या? हाँ ओके ओके ऑल राइट ठीक है। तो यहाँ पे विशाल ने क्या किया कि यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे एक बॉल है, मान लेते हैं कि ये वाइट है और ये कुछ नॉन वाइट है, ठीक है, दिस इज नॉट वाइट, ठीक है। और दूसरा एक और तरीका हो सकता है, दैट इज कि ये वाइट नहीं है और ये मेरा वाइट है, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी विशाल ने बोला कि ये 5/15 है, और इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हो जाएगा 10/15। सिमिलरली इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 10/15 और इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 5/15 है ना। तो यहाँ से मेरे को आंसर आ रहा है 4/21। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू विशाल, अकॉर्डिंग टू हर्ष, अकॉर्डिंग टू मोहमिता नाव ऑल्सो। लेकिन 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 यहाँ पे एक फंडामेंटली हम लोगों ने गलत किया है, पता है क्या गलत किया है? यहाँ पे हम लोगों ने चूज किया ना ऐसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल एंड अ नॉन व्हाइट बॉल, मैं ऐसा कुछ निकाल रहा हूं ना। और यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या कर दिया है, हम लोगों ने सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉन व्हाइट बॉल ऐसा कुछ कर दिया है, फिर उसको अरेंज कर दिया है, है ना। अरेंज करने की तो सबसे पहले तो अरेंज करने का सवाल ही नहीं आता यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अरेंज करने की जरूरत है ही नहीं। तो 2/21 जो है वो भी हो सकता था, लेकिन अगर ये ट्रू होता तो अब बताओ क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ व्हाइट बॉल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ नॉन व्हाइट बॉल, आर दे इंडिपेंडेंट इवेंट्स? बताओ यस और नो, आर दे इंडिपेंडेंट इवेंट्स? दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर मैं एक व्हाइट बॉल ले लिया तो मैं दूसरी बार एक दूसरा व्हाइट बॉल नहीं ले सकता, ऐसा बोल रहे हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग वन व्हाइट बॉल ओके एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अनदर व्हाइट बॉल दैट दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, मान लो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है तो क्या ये वाला चीज, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तो फिर तो जीरो हो जाता ना आंसर, क्योंकि कोई भी दो इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है, फाइव हो जाता है, ठीक है ना। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाता है। और अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन यहाँ पे आर दे इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यहाँ पे व्हाट यू थिंक, यस और नो? द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ व्हाइट बॉल एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ नॉन व्हाइट बॉल आर दे इंडिपेंडेंट इवेंट्स? जब तुमने एक व्हाइट बॉल उठा लिया उसके बाद तुम्हारा प्रोबेबिलिटी चेंज हो गया कि नहीं, मैनिपुलेट हो गया कि नहीं? जब तुमने ये उठा लिया यहाँ पे तब ये तो चेंज हो गया ना, ये प्रोबेबिलिटी उठाने का ये तो चेंज हो गया सर, ये 10/14 है ना, तुमने ऐसा किया। तो ये जो चीज है, ये जो भी है, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये तो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से नहीं करूँगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका बेसिकली वो जो विशाल ने पहले, ये जो हर्ष ने पहले बताया था, दैट इज ओनली द करेक्ट मेथड ऑफ डूइंग इट, ठीक है। दैट इज सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग टू बॉल्स आउट ऑफ द 15, ठीक है, आउट ऑफ द 15 बॉल्स दो बॉल मेरे को चूज करना है, ठीक है। तो वो दो बॉल कितने तरीके से चूज कर सकता हूँ, सिंपली 15C2, ठीक है, और 15C2 कितना आता है, दैट विल बी इक्वल्स टू 15 × 14/2, दैट शुड बी इक्वल्स टू 210/2, दैट शुड बी इक्वल्स टू 105, राइट। सो दिस इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग टू बॉल्स आउट ऑफ द 15 बॉल्स, ठीक है। नाउ the number of ways to choose
one white ball, okay? The number of ways to choose one white ball and one non-white ball. This should be equals to what? This should be equals to simply एक white ball. पांच white ball में से मुझे एक white ball choose करना है. कितने तरीके से कर सकता हूँ? 5c1 ways, ठीक है? फिर मुझे दूसरा एक और बॉल उठाना तो है ही, बिकॉज मैं दो बॉल उठा रहा हूँ. तो दैट्स वाई मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? बिकॉज दोनों काम मुझे करना है. अब अगला काम क्या है? जॉब टू क्या है? जॉब टू इज चूजिंग अ नॉन वाइट बॉल, ठीक है? जॉब टू इज चूजिंग अ नॉन वाइट बॉल. तो हाउ मेनी वेज कैन आई चूज वन नॉन वाइट बॉल? सिंपली 10 चूज वन तरीकों से, ठीक है? सिंपली 10 चूज वन तरीकों से. तो ये हो गया 50, ठीक है? और मेरा जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है इन दिस केस विल बी इक्वल्स टू सिंपली व्हाट? 50 divided by 105, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 10/21. सो योर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस क्वेश्चन, ठीक है? समझ गए ना? ओके, चलो बढ़िया. तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वे गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? फिर से ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आई एम रोटक का क्वेश्चन था, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन तो था, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं. अगला क्वेश्चन भी ये लोग पीएमसी से अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं. ज्योमेट्री जैसा क्वेश्चन नहीं पूछता है कि ये सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं उसको वैसा टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछते है. चलो अगला क्वेश्चन, ये भी आई एम रोहतक में आया था 2020 में. द क्वेश्चन इज दैट 5 rackets नीड्स टू बी प्लेस्ड इन 3 boxes. 3 box है, 5 racket है. Each box can hold all the 5 rackets, ठीक है? And how many ways can the rackets be placed in the boxes so that no box can be empty? Okay? If all the rackets are different and all the boxes are identical, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है? All the rackets are not identical. हम लोगों ने वो जो balls in boxes वाला problem किया था, वहाँ पे the balls were identical and the boxes were different. यहाँ पे देखना, बॉक्सेस आर आइडेंटिकल एंड द रैकेट्स आर डिफरेंट, ठीक है? तो उसको ध्यान रख के सॉल्व करो, ठीक है? चलो चलो एवरीबडी गेट इनटू एक्शन. मैं वीडियो पॉज कर दूंगा बिकॉज तुम लोग देखोगे बाद में. विशाल क्या बता रहे? 5c3 + 5c2 × 3c2 / 2 factorial. तो क्या आ रहा है आंसर? क्या आ रहा है? व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या आ रहा है बताओ? इसको कैलकुलेट करके बताओ आंसर क्या आ रहा है. 25 आ रहा है. चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया. ओके ओके, सो दैट्स फाइन. इट इज 25, देन दैट्स द करेक्ट आंसर. सो व्हाट इज द लॉजिक दैट यू हैव गिवन ओवर हियर? इट सीम्स लाइक, सो यू हैव रिटन समथिंग लाइक दिस. ओके, सो अकॉर्डिंग टू योर सॉल्यूशन, राइट इट डाउन. इट्स 5c3 + 5c2 × 3 choose 2 / 2 factorial. Okay. And that's turning out to be 25. So let me try to make sense out of this. So what you have done is that there are 3 boxes and you have put, first of all, you have chosen any 3 rackets and simply put 1 racket in each of the boxes, right? That's the 5c3 logic, correct? Yeah, Vishal, validate me. Yeah, I tried that way, but I didn't get it. What I did was the arrangements in the boxes can be 3 in 1, 1 and 1. So it can be 3, 1, 1 or 2, 2, 1. Correct. Absolutely. So for the first 3, I did 5C3. For the first 3 as in?
like 3-1-1 that pattern okay. is there, right? Okay. So in okay. that one. Everybody listen to this very carefully. So what Vishal is telling is there are two cases over here that are possible. One of the cases can be like this, that is 2 + 2 + 1, and another one is 3 + 1 + 1. Correct, Vishal? Yes, Bhaiya. Yeah. Then after this, so you're talking about this case. So for the 3 + 1 + 1 case. Okay. Number of ways that can happen is 5c3. We just need to choose 3 rackets and put it in the first box. Simply choose 3 rackets and put it in the first box. Okay. And what about the rest 2 rackets over there? The boxes are identical. So if you keep one each, so. So those need not be chosen or anything. Like, you know, you are still left with two rackets. You need not choose them. You can just place one in each box. You can simply place one in each box. So you need not count that, right? Yeah, absolutely. Very good. Yes. So that will be 5C3. And then in the above one, what is the logic for this one? 2 + 2 + 1. For the first two, I did 5C2 because there are 5 rackets. So there second were 5 rackets. You chose any 2 rackets for the second. You are left with 3 rackets now. So you choose any 2 rackets out of the 2 rackets. Right, correct. Then after that? But those 2 boxes are identical and they have 2 each. So you divide by 2 factorial. Okay. So you divide that by 2 factorial because the boxes are identical. It can go to either of the 2 boxes, right? Okay. So this should turn out to be equals to 15 and this should turn out to be equals to 10. So if you simply add them up, you are going to get 25. So, and that should be the correct answer. Excellent, Vishal. That's correct. Did everyone understand how this is done? Or you can change the arrangement as well. You can change the arrangement as well. Like if I try to do this in some other arrangement, okay, that is also possible. So for example, if I consider it to be something in this manner, this method is actually correct. Okay, this is correct. This is actually correct method. So see, you can also do it in this manner. So there are 2 cases. Okay, one case can be, let's say instead of 2 + 2 + 1. Let me take 1 + 2 + 2, okay? And the other one, let's say, instead of 3 + 1 + 1, let's take 1 + 1 + 3, okay? In any way you take, it's going to come out to be the same answer. So how many ways can you choose one ball out of the five, how many ways can you choose one racket out of the 5 rackets and place it in one of the boxes? It can be done in 5C1 ways, okay? Then multiply that. You're left with 4 rackets now. Okay, out of those 4 rackets, you choose any 2 rackets. And out of the 2 rackets, you choose any 2 rackets. That's how it's done. Okay, now, since, you know, there are 2 rackets in each of the boxes, there are 2 rackets in each of the boxes, and the boxes are identical, you need to what? You need to divide it by 2. Okay, you need to divide it by 2 over here. So here you're going to get again 15. Okay. And this one, it can be done in the similar manner. That is, choose one racket out of the 5 rackets. Then you choose one racket out of the 4 rackets. And then you choose 3 rackets out of those 3 rackets. And you have to divide it by 2 because, you know, there are 1 ball each in the boxes and the boxes are identical. So you are basically counting it twice. Okay. So that's why you have to divide it by 2. And ultimately, you're going to get 10 over here. Okay. And simply when you add them up, you're going to get 15 plus 10. That is equals to 25 ways. So either way, okay, any arrangement you take, you're always going to get arrive at the same answer or the correct answer over here. Okay. Is that clear to everyone? Yes, guys, please confirm if it is clear. Only then I'll move to the next question. Okay. At least some confirmations I got. Okay. So now what I will do is,
what was the method with placing three rackets in three boxes? Okay, no, there is just another method or just another way of thinking about it. That is, you know, you have three boxes, three identical boxes. Simply distribute simply distribute one racket to each of the boxes. Okay, choose any three rackets and distribute them in the three boxes. Then you have to basically, now you have to arrange the other two rackets in such a way that it either goes to one of the boxes or it goes to one each in each of the boxes. So, matlab us tarike se bhi agar karoge to it's just the same calculation once again. Theek hai, aisa koi matlab wo baat nahi hai. All right. So, but this is a better approach actually, because this is actually a better approach, because that approach, many people, they get confused because of, you know, a lot of times we use that approach when the rackets are identical and the boxes are not identical to each other. Okay, at that time, we basically follow that balls in boxes wala problem, which we solved in our classes before. Okay, that is, you write that separation, the gap method wala, the string method wala thing. Okay, not the string method, what is it called? ऐसे जो गैप्स बनाते थे फिर बॉल्स बनाते थे, है ना, वो वाला मेथड हम लोग यूज करके कर सकते हैं. ठीक है, अगर बॉल्स अगर जो रैकेट्स है वो आइडेंटिकल होते और बॉक्सेस अगर आइडेंटिकल नहीं होते तो कुछ आंसर और ही आता. ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज ही कर देता हूँ ना, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करो तुम लोग. ठीक है, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करो. तो डिलीट दिस और इसको भी थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ. चलिए, लेट्स कंसिडर अ स्पेशल केस ओवर हियर. द स्पेशल केस गोज समथिंग लाइक दिस, दैट इज, व्हाट इफ इट्स द सेम इंफॉर्मेशन. ओके, व्हाट इफ द बॉक्सेस आर नॉट आइडेंटिकल और द बॉक्सेस आर डिफरेंट एंड द रैकेट्स आर Rackets are identical. उस केस में बताओ, आंसर बताओ, उस केस में क्या करोगे? Rackets इस बार identical है, boxes different है. सब लोग सोच के बताओ. चलो मैं फिर से रिकॉर्डिंग पॉज कर दूंगा. हाउ डिड यू गेट सिक्स एज द आंसर फॉर दिस? कैन यू टेल मी व्हाट इज द कैलकुलेशन दैट यू हैव डन? आई डोंट नो, आई हैव नॉट कैलकुलेटेड. भैया द 1 2 2 एंड 1 1 3 सेम अरेंजमेंट, वी जस्ट नीड टू अरेंज देम इन डिफरेंट बॉक्सेस. या देन हाउ आर यू डूइंग दैट? सो like what is the 2 is 3c 3c2 simply 3c2. yeah, 1 1 2 2 is 3c2 and 1 1 3 is also 3c2. But here 1 2 2 and 1 3 2, will that matter? You know it will actually matter, because you know the boxes are different, right? So the arrangement is going to matter over here, but the rackets are identical. So think about it. I just calculated it. It's okay. I'll not say that. But तुम लोग try करो. बहुत question practice किया था ऐसे. State a direct formula p plus one करके तो मुझे कोई formula पता नहीं है.
the previous one, 2 plus 2 plus 1 and 3 plus 1 plus 1. So considering this arrangement, we are going to have one ball in each boxes. So at first, while taking 3 plus 1 plus 1, we are going to have 3C1, because in one box only there will be three balls. So over there we are getting 3, and 2 plus 2 plus 1. If over here we are, we know that there will be three boxes in which two of them will having two balls each, and the rest one is one. So it's coming 3C2 into 1. So again it's coming 3. So then the total of the cases will be 3 plus 3. It is going to come 6. I do not know if it is. Okay. It's kind of correct only. Vishal, was this your same argument? This was the same argument of yours? थोड़ा सा मैं सुनने में गलत कर दिया था, maybe. Okay, all right. देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए याद करो वो मैंने क्या बोला था. Both of your approaches are actually right, and that's correct actually. Okay, so the different balls are there, right? So different boxes are there. So there are two boxes. तो मुझे मेरे पास दो separators होना चाहिए, ठीक है? अब एक-एक box में एक-एक ball मैंने डाल दिया. Cool. एक-एक box में मैंने एक-एक ball डाल दिया. That's fine. Now after that, what I need to do over here is that I need to now put in some all balls, है ना? So basically now the situation turns out to be something like this. That is, मेरे पास दो box है. ठीक है, मेरे पास टोटल तीन बॉक्स है. ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स. और टोटल बॉल्स मेरे पास कितना है? बॉल्स मेरे पास दो है. ठीक है, तो आइदर ये दोनों बॉल्स में यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, नहीं तो एक बॉल इधर एक बॉल उधर मैं इस तरीके से प्लेस कर सकता हूँ, है कि नहीं? तो अब यहाँ पे देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर? द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर इज 4, राइट? देयर आर 4 ऑब्जेक्ट्स. And how many ways to arrange the two objects out of these 4 objects? 4C2 ways. Okay. How many ways to arrange them, or how many ways to arrange can be also taken seen in this manner? That is 4 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial. And that's going to give you 6 over here. Okay. So that should be 6 in this way. Okay. So isko hum log is tarike se bhi isko solve kar sakte hain. Alright, or otherwise I have given you direct formula isko solve karne ke liye, n minus k choose k minus 1 aisa type ka kuch formula maine diya tha. Theek hai, fir n plus k minus 1 choose k minus 1 aisa bhi ek formula diya tha. Wo sab formulas tum log use kar sakte ho. Theek hai, number of integer solutions wala questions mein maine is tarike ka formula tum log ko likha diya tha. Direct formula bhi use kar sakte ho. Theek hai, you should check your notes or check the recordings of combinatorics wala classes. All right, so let's move forward to the next question. Theek hai, chalo, ye bahut asaan question hai. I am Rotak 2020 ka hi question hai. That is, how many signposts can be made using 6 different colored symbols when any number of them can be posted at a time? Theek hai, chalo solve karo. Okay, so option D is the answer from two of you over here. Okay,
can you explain me the logic behind it? Yes, Siddharth, can you explain it to me? In the first case, I have used number of ways for hosting. Six different parallel flags out of six given flags is 6p6, that is 720 correct. Ways. Correct. The number of ways to choose, six flags at a time is going to be simply 6p6, and that is simply 6 factorial, and that will be 720. Uske baad? In the second ways, we have to choose. We have chosen chose F6 now. Now choose we have any to choose five different flags. Yeah, from given flags. Ah, oh, okay. That is, yeah. Again, 6 factorial. That's 720. Then you choose. Then four. Any four. All right. Yes. Then you choose any 3. Then you choose any 2. And finally, you choose any 1, and the arrangement is done in this way. So this is going to be equal to, I guess, 360. Just divide that by 2, and this should be equals to, but divide this number by 3, so that should be 120, and this number over here, it should be what? Divide this number by 4, that's 30, and finally this is, divide this by 5, so this will be 6. Okay. So ultimately, if you simply add them up over here, 720 plus 720 plus 360 plus 120 plus 30 plus 6, you are going to get your answer. And the answer over here should be 1956. So your answer to this question is 1956, which is option D, a very easy question. You can easily solve. All right. Okay. So now let's move on to the next question over here. Okay. The next question is something like this. This also came in Rotak 2020 only. Okay, so there are 12 copies of Beatles CDs. Okay, dhyan rakhna kya likha hua hai, 12 copies of Beatles CDs, matlab they are identical. Theek hai, aur tum logo ko ye sab pata hai na, Beatles kaun hai, Pink Floyd kaun hai, Michael Jackson kaun hai, Madonna kaun hai, hai na? Chalo, so there are 12 copies of Beatles. Okay. Then there are 7 copies of Pink Floyd CD. Then there are 3 different CDs. Now here, these are identical. This is identical. This is identical. Now there are 3 different CDs. Okay, they are different of Michael Jackson, and 2 different CDs of Madonna. 2 different CDs of Madonna. Now you need to find out the number of ways in which one or more than one CD can be selected. सिंपल सिलेक्शन का प्रॉब्लम है. ठीक है, हाउ मेनी वेज कैन यू सिलेक्ट वन और मोर देन वन सी डी आउट ऑफ दिस? सो दैट्स द क्वेश्चन. चलो सॉल्व करने की कोशिश करो. ऑप्शन बी इज द आंसर. ओके, कैसे बताओ मुझे इसका सोल्यूशन, बताओ हाउ डू आई अप्रोच द क्वेश्चन. हाँ भैया, भैया इसमें अगर मैं माइकल जैक्सन का केस ले रहा हूँ. ठीक है. हाँ, तो उसमें माइकल जैक्सन के 3 डिफरेंट सीडीज हैं. तो उसमें M1 जो फर्स्ट सीड है इज इन और आउट ऑफ 2 पॉसिबिलिटीज, एंड M2 इज आल्सो आउट ऑफ 2 पॉसिबिलिटी, व्हाइल M3 इज इन नॉट अवर फेवर. तो उसमें कहां से सॉल्यूशन देखा तुमने? M1 M2 M3 कर रहे हो? ये देखो भैया, M1 M2 क्या है? वही भैया, पॉसिबिलिटीज होंगे चूज करने के लिए. M1 M2 पॉसिबिलिटीज है चूज करने का. एक मिनट.
M1 M2 क्या है यहाँ पे? देखो मैं सॉल्यूशन कर देता इस चीज का, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो बताओ टोटल कितना सीडीज है मेरे पास। टोटल मेरे पास 12 सीडीज सीडीज ऑफ बीटल्स, देयर आर 7 सीडीज ऑफ पिंक फ्लॉयड, देयर आर 3 सीडीज ऑफ माइकल जैक्सन एंड 2 सीडीज ऑफ मैडोना, राइट? सो देयर आर अ टोटल ऑफ 24 सीडीज। आई हैव अ टोटल ऑफ 24 सीडीज। आउट ऑफ दीज 24 सीडीज यू कैन क्लियरली सी दैट यू नो देयर आर 12 सीडीज of beetles, okay, 12 CDs of beetles which are identical of one kind, okay, these are identical, okay, these are identical of one kind. Then I also have 7 CDs of Pink Floyd, okay, and they are again identical of another kind, okay, and then after that I have the rest 5 CDs. देखो ये जो 5 CD है ना, ये 3 different CDs है, ये 2 different CDs है, so I can just consider them to be 5 different CDs now, okay, there are now 5 different CDs, so this is how you can classify them over here, okay, that is 12 identical CDs, 7 identical CDs and 5 different CDs, this is what I have, okay. Now can you tell me how, you know, I can basically choose, now I have to choose basically one or more than one CD can be selected. Okay, let me just first of all consider all the scenarios, that is, you know, one or more ka koi scenario nahi rakhte hai. Let me find out all the possible ways of selecting and wahan se main minus one kar dunga, toh fir, you know, that will basically give me one or more than one wala situation. Okay, so the total number of ways agar mujhe nikalna hai, तो टोटल नंबर ऑफ वेज मैं किस तरीके से निकालूंगा जब सब आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे आइदर आई कैन चूज 0 सीडीज, नहीं तो आई कैन चूज 1 सीडी, नहीं तो आई कैन चूज 2 सीडीज, नहीं तो आई कैन चूज 3 सीडीज, एंड इन दिस वे आई गो ऑन टिल टोटल कितने सीडीज है, टोटल 12 सीडीज है, तो कितना पॉसिबिलिटीज है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज डू आई हैव ऑफ सिलेक्टिंग यू नो वन और मोर बीटल सीडीज, वन और मोर नहीं मतलब 0 और मोर बीटल सीडीज, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज डू आई हैव, देर आर अ टोटल ऑफ 13 वेज ओवर हियर, यस दैट्स करेक्ट, सो देर आर अ टोटल ऑफ 13 वेज ओवर हियर, करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन, देर आर अ टोटल ऑफ 7 पिंक फ्लॉयड सीडीज, ठीक है, द टोटल 7 जो पिंक फ्लॉयड सीडीज है, यहाँ पे भी हाउ मेनी वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर देयर, आइदर यू कैन चूज 0 सीडीज ऑफ पिंक फ्लॉयड, or you choose 1 CD of Pink Floyd, or you choose 2 CDs of Pink Floyd, or you choose 3 CDs of Pink Floyd, and it goes on like this till 7. So how many options do I have? How many ways can I choose? I can basically choose it in 8 different ways. Okay. So I Pink Floyd ka jo CDs hai, that I can choose in 8 different ways. Ab tum dhyan se dekho yahan pe main kya kar raha hu. Ye jo ek ek options hai na, ye jo ek ek option hai, ये एक एक को मैं कितने बार काउंट कर रहा हूँ, ये और मतलब देयर इज अ प्लस साइन, और प्लस साइन ये एक एक जो पिंक कलर का लाइन बना रहा हूँ वहां पे आई एम चूजिंग इट ओनली वन टाइम, राइट? बिकॉज चूजिंग 2 सीडीज कैन बी डन इन एनी वन वे बिकॉज देयर आइडेंटिकल, चूजिंग 3 सीडीज कैन ऑल्सो बी डन इन एनी वन वे बिकॉज देयर आइडेंटिकल, चूजिंग 4 सीडीज कैन ऑल्सो बी डन इन एनी वन वे बिकॉज देयर आइडेंटिकल, ओके, सो that's why I have chosen one in each case. So that's why वहाँ पे 1 + 1 + 1 total कितने बार कर रहा हूँ? 13 बार कर रहा हूँ. इसीलिए मुझे 13 ways मिल रहा है. Similarly यहाँ पे 1 + 1 + 1 ऐसे total कितने बार कर रहा हूँ? 8 बार कर रहा हूँ. इसलिए मुझे 8 मिल रहा है. Now can you tell me about this one? The next part over here. That is, you know, there are 5 different CDs as well, right? So these 5 different CDs, इसको मैं कैसे choose कर सकता हूँ? How many different ways are there to choose these 5 different CDs? जब 5 different CDs होता है, तो उस time पे either you choose the CD or you don't choose the CD. So there is, you know, CD number 1, CD number 2, CD number 3, CD number 4 and CD number 5. These are the CDs that you have.
okay, now that are all different, right? So identical ek ek karke treatment karna padega. So dekho isko either choose or don't choose, okay, choose or don't choose. इसको भी मैं बोल सकता हूँ कि आइदर यू चूज और यू डोंट चूज, ओके, इसको भी आइदर चूज और डोंट चूज, ठीक है, ऐसे ही मैं बाकी के लिए भी करूंगा. तो टोटल मेरे पास कितने ऑप्शन है फॉर ईच ऑफ द सीडीज? इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, 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 इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है. तो टोटल मेरे पास कितने ऑप्शन हो गए? देर आर अ टोटल ऑफ 2 to the power 5 डिफरेंट वेज, ठीक है. So what is the total number of ways of selecting any number of CDs? That will be basically given by this. That is, if I write down over here, that is the total number of ways of selecting any number of CDs will be what? This will be simply equals to 13 multiplied by 8 multiplied by 2 to the power 5, right? But that will turn out to be, or when you calculate this number, that will turn out to be 3328. Okay, this will turn out to be equal to 3328 over here. Aur ek cheez, maine yahan pe dekha do option, matlab ek hi bar do option likh diya hai. Sorry for that, yahan pe maine 8 likhne ki koshish kiya tha maine, theek hai. बट यहाँ पे इट्स सर. एनीवे, अब क्या है, मेरे को बोला है कि वन और मोर चूज करना है, ठीक है ना, वन और मोर. तो मतलब देयर इज वन पॉसिबिलिटी, जब मैंने कुछ चूज नहीं किया, आई हैव चोजन नथिंग आउट ऑफ एनी ऑफ द सीरीज, तो वो वाला पॉसिबिलिटी मुझे हटा देना है. तो ये जो आंसर है, तो मेरा जो आंसर होगा, दैट विल बी 3328 और -1, ठीक है, दैट विल बी 3327. ओके, 3328 -1, that is 3327. So this will be option number D over here in this question. Okay, chalo. So this is how you do this question over here. All right, chalo. Did everyone understand how to do the question? ये एक अच्छा question था, काफी अच्छा question था. तो ऐसा question भी पूछे जाते हैं. तो practice करते रहो, जितना practice करोगे उतना ज्यादा तुम लोगों का मतलब you will understand कि different types of questions को किस तरीके से approach करना है, किस तरीके से उसका solution करना है, ठीक है. So this is how you do this question. Did everyone understand this question? Tell me. We'll go to the next question. That is the next question is I am wrote a big question as it said. That is, explain what, Tanima? Which part do I? The 5 different ways from that. The 5 different ways of choosing. Okay. So when you have some different objects, when you have different objects, not identical objects, at that time, how do you choose them? How do you choose them? Or you can think of it in this way. That is, ये जो total, let's say there is a set of 5 elements, ठीक है? अब मैं इनमें से कोई भी किसी भी तरीके से element choose कर सकता. Either I can choose 0 element, I can choose 1 element, I can choose 2 CDs, I can choose 3 CDs, I can choose 4 CDs, कुछ भी choose कर सकता हूँ. So from this set of C1, C2, C3, C4, C5, what I am doing, I am basically finding out the total number of subsets that I can choose, right? Total number of subsets. Or total number of subsets kya hota hai ek particular set ka? 2 to the power n hota hai na? Aur yahan pe ye kya ho jayega? Phir 2 to the power 5 ho jayega. You can think of it in that way as well. Theek hai? Samajh mein aaya? Okay, great. Now I hope that you have understood all the rest of the parts as well. ठीक है, चलो बढ़िया. उसके बाद अगला question करते हैं. So this is another question from I am Rotak again. Okay, yeah, इस बार तो please बोला है तो जरूर करना, ठीक है. Please calculate in how many ways can a platoon of 16 soldiers be chosen out of a total of 20 soldiers for a surgical strike. प्लीज बोला है, कर दो यार.
प्लीज नहीं बोलता तो मैं इतना करके नहीं बोलता, प्लीज बोला तो कर दो प्लीज सब लोग. ऑप्शन ऑप्शन ए को है ना, सो कैन यू एक्सप्लेन व्हाई ऑप्शन ए, हाउ डिड यू गेट ऑप्शन ए ओवर हियर? सिर्फ उतना से हो जाएगा, are you sure? और कुछ नहीं करना पड़ेगा, इतना आसान क्वेश्चन देता है कि सिर्फ 2016 से बन जाएगा काम. एक्चुअल में कभी कभी इतना आसान क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? तो क्या करना है, देर आर अ टोटल ऑफ 20 सोल्जर्स, ऑल द सोल्जर्स आर नॉट, दे आर नॉट आइडेंटिकल, राइट? सो दे आर डिफरेंट पीपल, सो ऑफकोर्स they have to be treated as different objects. They are different objects, isn't it? So if I consider all of them to be different objects, so simply kya hoga, simply 20 choose 16 ya fir kya karunga, 20 choose 4. Isko jaldi se exam mein jaldi jaldi calculate karne ke liye kya karna chahiye, 20 se 4 likha hua hai, so this should be done like this, 20 multiplied by 19 multiplied by 18 multiplied by 17, ठीक है? क्या कर रहा मैंने, आई हैव बेसिकली टेकन द फोर नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 20 एंड गोइंग बैकवर्ड्स, ठीक है? डिवाइडेड बाय व्हाट, 4 इनटू 3 इनटू 2 इनटू 1, ठीक है? सिंपल ये करना है. अगर कोई भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है? वो फैक्टोरियल करके नहीं करना है, ठीक है? 20C4 मतलब ऐसा बिल्कुल मत करना, 20 factorial divided by 4 factorial into 20 minus 4 factorial, ऐसे करके बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? उसको सीधा इस तरीके से लिख देना है जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है? सो यहाँ देखो 4 से 20 कट हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है? फिर ये 3 से ये कट हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, और ये 2 से ये कट हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा. तो अल्टीमेटली क्या बचता है, अल्टीमेटली बचता है 5 × 19 × 3 × 17, ठीक है? अब इतना तो मैं कैलकुलेट कर ही सकता हूँ, ठीक है? ये रोटक वाले मतलब ज्यादा दिमाग लगाने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए तो बोल ही सकता है, ठीक है? तो इतना कैलकुलेशन मुझे करते आना चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा 4845, ठीक है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? चलो बढ़िया, ओके. Now, let's do the next question, okay? What's the next question? The next question is that a box contains, again, I am Rotak ka question hai, okay? 2020 mein, tum log samajh sakte ho, 2020 mein I am Rotak ne bhar bhar ke PNC aur probability se question diya tha, bhar bhar ke, bahut question pucha tha, okay? So, I am Rotak, IPMET 2020 ka question, a box contains 2 white shirts, 3 black shirts and 4 red shirts, okay? In how many ways can 3 shirts be drawn from the box if at least one black shirt is to be included in the draw? If at least one black shirt has to be included in the draw, so how many ways can you do that? Typical NCERT ka question hai, jaldi se solve karo everybody. So you are telling maybe 64. Logic batao. Sahi bhi to ho sakta hai. Kya logic kya hai batao? Uske piche. Unmute and tell. Koi na batao. Listening. Hello, am I audible? Now you're audible, yes. Okay. I chose in how many ways I can choose three, like one black shirt and the other two. Okay, like number of ways you can choose one black shirt. Okay. So you have taken different cases, right? ठीक है, मान लेते हैं, ऐसे ही करते हैं. चलो, one black shirt and two not black shirts. तो इसको कितने तरीका है इसको करने का? There are 45 ways we can do it. कैसे, कैलकुलेशन क्या है? First I took one black shirt and two white shirt. Okay, so you have taken all the different like this, like one black shirt and then one white shirt. So it goes on like this. Okay,
So one black shirt, one white shirt, then you will, then one, maybe one red shirt, then one black shirt, then two white shirts, one black shirt, then two red shirts, something like this. This is what you have done. Yeah, it's a long process. Any other cases are there apart from these? I've taken one black, two white, one black, two red, and yeah, one black, one white, one red. Yeah, correct. No more. Three cases, and right? And then again, two black and then three black. Two black and three black. Okay, yes. There will be two blacks and maybe one white, or two blacks and one red. Then it can be three blacks. So these are all the cases. So in sab ka alag alag karke calculate karke unka addition kar sakte ho. This is one method of doing it. And you're going to get 64. And 64 is the correct answer. Very good. However, this is a very long process, as you can see. Okay, it's of course a very long process. So we will not follow this method. We will follow some other method. Jab bhi koi question mein at least mention kya hota na. तो उस टाइम पे क्या करना है, टोटल माइनस वट एवर इज आस्क, यू नो, उसका कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर देना होता है. ठीक है, दैट इज व्हाट यू डू इज, इसका आंसर जो होगा ना, इसका आंसर हाउ डू यू फाइंड आउट, दैट इज द नंबर ऑफ वेज टू इंक्लूड एट लीस्ट वन ब्लैक शर्ट. ओके, this will be equals to basically the total number of ways to pick three shirts. Okay, total number of ways to pick the three shirts minus what you do is the number of ways to include no black shirt. If I do this, it should suffice, right? This equation holds true, right? Everybody is convinced with that, I guess. Okay. The total number of ways to pick three shirts, okay? And the number of ways to include no black shirts out of those three shirts. Aisa kar sakta hoon main? Okay. So what is the total number of ways to pick three shirts? Total kitne shirts hai mere paas? Total mere paas 2 plus 3 plus 4 shirts hai. Okay. अब इतने शर्ट्स में से मुझे बेसिकली कोई भी तीन शर्ट चूज करना है. कितने तरीका है, सिंपली 2 + 3 + 4 चूज 3. ठीक है, नाउ हाउ मेनी वेज आर देयर टू चूज नो ब्लैक शर्ट्स. तो टोटल यहाँ पे मेरे पास टोटल तीन ब्लैक शर्ट है ना. तो आउट ऑफ दीज नाइन दैट इज 3 + 4 + 2 9. देर आर बेसिकली, अगर टोटल मेरे पास तीन ब्लैक शर्ट है तो बचता कितना शर्ट है, 6. अब उन 6 में से मुझे कोई भी तीन उठाना है. सो दिस विल बी डन इन 6 choose 3 ways. ठीक है, सो दिस विल बी नथिंग बट 9 choose 3 - 6 choose 3. इस तरीके से सॉल्व करो तो ये जल्दी रहेगा. ओके, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल द डिफरेंट केसेस लाइक दिस, वॉट यू डू इज यू simply find out 9 choose 3 - 6 choose 3. So 9 choose 3 - 6 choose 3 कितना हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 9 choose 3. I think is going to be simple. बहुत जल्दी कैलकुलेट करो, 9 × 8 × 7 divided by 3 × 2 minus 6 × 5 × 4 divided by 3 × 2. ठीक है, तो इसको इतना जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 84 - 20, दैट विल बी 64. तो यस, 64 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर. ठीक है, एक्सेलेंट. सो दिस इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन. ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है. तो कभी भी प्रोबेबिलिटी हो या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो, याद रखना जब भी एटलीस्ट कुछ भी मेंशन होता है ना, एटलीस्ट वाला क्वेश्चन में हमेशा उसको टोटल माइनस उसका कॉम्प्लीमेंट करके सॉल्व करना होता है. ठीक है, टोटल माइनस उसका कॉम्प्लीमेंट करके सॉल्व करना होता है तो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है. ठीक है, तो इसको याद रखना, ये वाला चीज को याद रखना. ओके, ग्रेट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन फिर से आई एम रोहतक का ही है.
ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है ये, 2020 का क्वेश्चन है आई एम रोहतक का। यहाँ पे बोला कि कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी वेज कैन सेवन टेनिस प्लेयर्स कैन बी सीटेड इन हाउ मेनी वेज सेवन टेनिस प्लेयर्स कैन बी सिलेक्ट सीटेड। यहाँ पे अंग्रेजी थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, ठीक है, कैन बी सीटेड इन अ सर्कुलर ऑर्डर। और क्वेश्चन भी, क्वेश्चन का फ्रेमिंग भी गलत है, कैन यू बोला है तो येस और नो में आंसर होना चाहिए, दो ऑप्शन होना चाहिए, आइदर येस आइदर नो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। यहाँ पे सीधा बोलना चाहिए कि सीधा कैलकुलेट करो व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज टू डू दैट। सेवन टेनिस प्लेयर, अच्छा विशाल ने एक आंसर बोल दिया, ठीक है, ऑप्शन सी बोल दिया, चलो बहुत जल्दी बोल दिया। और बाकी लोग सो बताओ, तुम लोग विशाल से एग्री करते हो कि और कुछ हो सकता है? You agree? Okay. देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सर्कुलर परमुटेशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, एक को फिक्स कर देते हैं। देयर आर इन अ सर्कल, बेसिकली व्हाट हैपेंस, ये एक सर्कल अगर है तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना होता है कि ये एक टेनिस प्लेयर है T1, T2, T3, T4, T5, T6 और T7, राइट, T7। तो कोई एक को फिक्स करना होता है और बाकी को मैं किसी भी तरीके से रोटेट कर सकता हूँ, तो टोटल कितना बचता है, छह टेनिस प्लेयर है, उसको कितने वेज में मैं अरेंज कर सकता हूँ, 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकता हूँ, 6 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 720, तो मेरा आंसर हो जाएगा 720। इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। एन माइनस वन फैक्टोरियल जो यूज करते हैं हम लोग सर्कुलर परमुटेशन में क्यों करते हैं, आई होप एवरीबडी नोज दैट, ठीक है, वो जानना बहुत जरूरी है कि क्यों करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमको पता ही नहीं है कि क्यों होता है, बस फॉर्मूला पता है कि एन माइनस वन फैक्टोरियल होता है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज, आई एम टेलिंग यू इन द लॉन्ग रन एटलीस्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर से प्लीज बोला है, इस बार भी कर दो यार, ठीक है, बोले कि प्लीज कैलकुलेट इन हाउ मेनी वेज कैन अ सेट ऑफ 5 प्लेयर्स बी फॉर्म्ड आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 10 प्लेयर्स सच दैट 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स शुड बी इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी सेट, ठीक है। चलो 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 जल्दी जल्दी, टाइम नहीं लगना चाहिए, ऑप्शन सी, चलो ठीक है, सब लोग बताओ, सब लोग एवरीबडी, ऑप्शन सी, ओके, फ्रॉम ओमिता एज वेल, बढ़िया, ओके। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है, क्या करना होता है, सिंपली मेरे को 5 प्लेयर चूज करना है, ठीक है, मेरे को 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 प्लेयर चूज करना है। अब 2 प्लेयर को तो मुझे हमेशा, 2 पर्टिकुलर प्लेयर है राम और श्याम, उन दोनों को तो मुझे बेसिकली ऐड करना ही है ना, तो इन दोनों को तो मैंने फिक्स कर दिया है, और मैंने यहाँ पे 6 ड्रॉ कर दिया है, कोई नहीं हटा देते हैं, ठीक है, तो मुझे बेसिकली कोई 2 को फिक्स कर देना है। अब टोटल मेरे पास कितना प्लेयर था, टोटल 10 प्लेयर था, अब उन 10 में से कोई 2 प्लेयर तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो बचता कितना प्लेयर है, बचता मेरे पास 8 प्लेयर है, ठीक है, अब उन 8 प्लेयर में से
मुझे कौन सा पोजिशन चूज करना है, बस तीन को चूज करना है क्योंकि दो तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो एट चूज थ्री वेज में मैं इनको कैलकुलेट कर सकता हूँ. सो एट चूज थ्री विल बी व्हाट, एट इंटू सेवन इंटू सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री इंटू टू इंटू वन, ये कैंसिल हो जाएगा विद सिक्स एंड एट इंटू सेवन इज 56. सो देर आर 56 डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दिस. तो ऑप्शन नंबर सी 56 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सबको. चलो, तो ये रहा कुछ आई एम रोहतक के क्वेश्चंस. आई एम रोहतक में टोटल कितने क्वेश्चन किए हम लोगों ने, टोटल 8 क्वेश्चन किए. ठीक है, तो आई एम रोहतक का 8 क्वेश्चन आया था पिछले साल यू नो आईपीएमएटी में. अब इसके बाद इंदौर वाला क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, अब आएगा थोड़ा सा मजा. ओके, रोहतक के क्वेश्चंस भी उतना मतलब यू नो आसान नहीं था, कुछ कुछ क्वेश्चंस वर रियली गुड. ओके, जहां पे बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे. Okay, the last few questions that we did were really easy, but few questions were really good. Okay, चलो अब हम लोग करते हैं आई एम इंदौर के questions. ठीक है, अब ये question करो, ये आया था 2020 में आई एम इंदौर में, ये subjective वाला हिस्सा में आया था. ठीक है, इन द subjective वाला हिस्सा ये वाला question आया था, तो इसको सॉल्व करो एवरीबडी, कोशिश करो. आउट ऑफ 13 ऑब्जेक्ट्स 4 आर indistinguishable. ठीक है, इनडिस्टिंग्विशेबल इसका मतलब क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब आइडेंटिकल. ठीक है, 4 आर आइडेंटिकल और बाकी जो 9 ऑब्जेक्ट्स है वो सब क्या है, दे आर डिस्टिंक्ट. द नंबर ऑफ वेज टू चूज 4 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ दीज 13 ऑब्जेक्ट्स शुड बी इक्वल टू व्हाट. ठीक है, नंबर ऑफ वेज टू चूज 4 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ दीज 13 ऑब्जेक्ट्स शुड बी इक्वल टू व्हाट. चलो जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो और आंसर बताओ. थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन बैठ के कैलकुलेशन करो और मुझे आंसर बताओ. इंटीजर में आंसर आएगा और मुझे आंसर बताना. इंटीजर मतलब आईआईटी वाला इंटीजर नहीं है कि 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 9 तक कोई आंसर आएगा. इंटीजर मतलब कुछ भी हो सकता है, 3 digit, 4 digit, 5 digit हो सकता है. ठीक है, चलो सॉल्व करो एवरीबडी. हाँ सिद्धार्थ, अब बताओ what is your method of doing this question. You have got answer is 256, right? बताओ. Yeah. क्योंकि भाई इसमें हमको 4 ऑब्जेक्ट चूज करने के लिए बोला, सो हमको इनडिस्टिंग्विशेबल वाले के केसेस बनाने पड़ेंगे. तो हम लोग पहले केस में हम ले सकते हैं, हम 0 इनडिस्टिंग्विशेबल टॉयज प्लस 4 एंड 4 डिस्टिंक्ट टॉयज ले सकते हैं केस में. सेकंड केस में वी कैन टेक one indistinct spelling. So how many ways do I choose one indistinguishable toy or one distinguishable object and three distinct object, how do you do that? Way better after since we have 13 objects in which 4 are indistinguishable, so hum to 9 baste hamare paas. To jaise maine pehle case mein bataya ki तुम दूसरे वाले केस का ही बताओ, दूसरे वाले केस का ही बताओ कि अगर मेरे पास एक इंडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट है और 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हाउ मेनी वेज ऑफ चूजिंग दैट. भैया वो 9C3 वेज में चूज कर सकते हैं. और बाकी जो 4 ऑब्जेक्ट्स है उनका क्या करेंगे. थर्ड केस में वी कैन चूज 2. थर्ड केस नहीं, वही वाला केस मैं बोल रहा हूँ कि 9 चूज 3, तो मैंने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो है उनको चूज कर दिया. हाउ डू आई चूज द रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक और ऑब्जेक्ट मुझे चूज करना है ना आउट ऑफ द ऑल द इनडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स, हाउ मेनी वेज टू डू दैट. ओके, हाँ तो हमने सेकंड केस में 3 डिस्टिंक्ट ले लिया तो एक बचता है हमको. हाँ वही, एक को चूज करने का कितना तरीका है. तो ए वो 9 चूज 1 वेज में चूज कर सकते हैं. 9 चूज 1 वेज में कैसे चूज करेंगे, क्योंकि मेरे पास एक इंडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट है, तो इंडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट को मैं 9 चूज कहां से आ गया, क्योंकि 9 चूज 9 तो मेरा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, 4 इंडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स है,
तो मुझे एक चूज करना है आउट ऑफ दोस चार, तो कितना तरीका है, हाउ मेनी वेज कैन आई डू दैट? देखो इसको बेसिकली कोई भी अगर मेरे पास इनडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स है तो उसको चूज करने का कितना ही तरीका होगा, मैं कुछ भी चूज कर सकता हूँ, एक ही तरीका होगा ना, दैट इज व्हाट वी सॉ इन दैट माइकल जैक्सन वाला क्वेश्चन भी। इस क्वेश्चन में भी तो हम लोगों ने वही किया, ये वाला क्वेश्चन एक एक केसेस को मैंने कितना चूज किया, ये दिस इज चूजन एज वन, दिस इज चूजन एज वन वे, दिस इज चूजन एज वन वे, तो इस तरीके से इधर भी तो वही एक ही तरीका होगा ना वो फिर भी। तो सो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स है, देयर आर अ टोटल ऑफ 13 ऑब्जेक्ट्स। नाउ आउट ऑफ दीज 13 ऑब्जेक्ट्स आई से दैट फोर आर आइडेंटिकल, ओके, फोर ऑफ देम आर आइडेंटिकल एंड रेस्ट ऑफ देम दैट इज द रेस्ट 9 आर बेसिकली डिस्टिंक्ट, ओके, द रेस्ट 9 आर डिस्टिंक्ट या फिर डिफरेंट। तो अब क्या कर सकते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन आई चूज फोर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मुझे टोटल फोर ऑब्जेक्ट्स चूज करना है, तो ऐसा कर सकता हूं मैं कि चारों मैंने ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स चूज कर लिया और जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर आई चूज 0, लेट्स से आई डू नॉट चूज एनी ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, हाउ मेनी वेज कैन आई डू दैट, कैन यू टेल मी, इसका स्पेसिफिकली बताओ हाउ एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स, हाउ मेनी वेज कैन आई चूज फोर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ दोज फोर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स एंड 0 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ द 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, हाउ मेनी वेज कैन आई डू दिस? हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन आई डू दिस? Four C four. Here, when there are no distinguishable objects, वहाँ पे हमेशा one होता है, हमेशा, ठीक है? Four C four is equal to one, that I know. But यहाँ पे four C four वाला logic is not correct at all. Because that identical objects, it doesn't matter that which one I am choosing. Okay? You are choosing any combination of objects. मैं एक बार में ऐसे आँख बंद करके उठा लिया चार object. ठीक है, अब कितने तरीका होगा, एक ही तरीका होगा ना, तो ये करने का टोटल मेरे पास एक तरीका है। अब दूसरा एक और केस कर सकते हैं, दैट इज कि 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मैंने चूज कर लिया और 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से मैंने एक ऑब्जेक्ट को चूज कर लिया, अब इसको करने का कितना तरीका है बताओ, 3 आउट ऑफ 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, हाउ मेनी वेज कैन आई चूज 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स? It should be one again, ठीक है? It should be what? One again, because 3 identical objects identical है, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है कि मैं कौन सा 3 उठा रहा हूँ, कोई भी तरीका है, कोई भी 3 उठा लो, it doesn't matter to me, वो एक ही है, ठीक है? And then number of ways do you choose one object out of the 9 distinct objects? 9 choose one, ठीक है? So that will be equal to 9 over here. The next one. There are 4 identical objects. In mein se maan lo maine 2 identical objects ko utha liya aur 2 distinct objects ko utha liya. To fir se 2 identical objects uthane ka tarika kitna hai out of 4 identical objects? Fir se 1 ho jayega multiplied that with the number of ways of choosing 2 objects out of 9 objects. 9 distinct objects. That is 9 choose 2, not 3, 9 choose 2. So that is going to be simply what? 9 into 8 divided by 2, and that should be equals to 30
6. Okay. Then the next case over here is going to be something like this, that is चार आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से मुझे कोई भी एक ऑब्जेक्ट को उठाना है और 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से मुझे कोई भी 3 ऑब्जेक्ट को उठाना है. ठीक है, फिर से क्या हो जाएगा, 1 × 9 choose 3. अब इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, 9 × 8 × 7 / 3 × 2, सो दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 12 × 7 एंड दैट इज 84. ठीक है, देन दिस वन, 0 identical objects, all 4 are the objects from the distinct category. So simply, kya ho jayega? 1 × 9 choose 4, and 9 choose 4 is going to be what? 9 × 8 × 7 × 6 / 4 × 3 × 2 × 1, and that will turn out to be equal to 126. Okay? So the answer over here in this question is going to be simply 126 plus 84 plus 36 plus 9 plus 1. इसको कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 256. ठीक है, सो द आंसर ओवर हियर इज 256. सो दैट विल बी योर आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलो, सो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली डू दिस क्वेश्चन. क्या सबको समझ में आ गया इस तरीके का क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं? एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस? कूल, ओके, नाउ लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी दिस टाइम. ओके, इट्स अ आई एम इंदौर क्वेश्चन अगेन, 2020 का क्वेश्चन है. The question is, what is the probability that a randomly chosen factor of 10 to the power 19 is a multiple of 10 to the power 15? ठीक है, फैक्टर क्या होता है पता है ना तुम लोगों को, जो भी डिवाइड करता है 10 to the power 19 को. मल्टीपल क्या होता है, 10 to the power 15 into 1, 10 to the power 15 into 2, 10 to the power 15 into 3, इस तरीके से you go on like that. That will be a multiple of 10 to the power 15. By the way, तुम लोग याद करो, what is the नहीं कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, सॉल्व करो, चलो चलो चलो, इसको सॉल्व कैसे किया, how did you solve this question, 1/16, how is it, okay, let me hear from Tanima this time, Tanima has also given 1/16, yes Tanima, बताओ. First of all, okay, seeing the truth, I have just seen an example from Google, and sorry, what? There was an example of another other digits in Google, and I have seen there that they are doing 10 to the power 19 as 2 × 5 to the power 19. So they are constructing the thing into something, and I am getting one by 16 as the answer. नीचे 16 कहाँ से आया? 16 because first in that 10 to the power 19 we are going to divide factor it in 2 to the power 19 into 5 to the power 19 and. And it is going to be more or equal to 10 to the power 15. So, हाँ, ठीक है. Then I cannot say it in English. No. मुझे ये बता, नीचे 16 कहाँ से आया? You didn't say anything to support your point कि 16 किधर से आया? 25/400, the last okay, where did you get this 400 from? Where did you get this 400 from? Because it is 20 × 20 over there. What, why did you do 20 × 20? Wo kaha se aaya? 20 × 20 is coming as the total number of divisors of 10. And how do you calculate that? How did you get 20 × 20? I see that I just saw an example from
देखो देखो ध्यान से, कल मैंने डिस्कस किया था याद है, दैट एनी नंबर इफ यू हैव एन इज इक्वल्स टू उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मान लो पी वन टू द पावर अल्फा वन, पी टू टू द पावर अल्फा टू, इस तरीके से यू गो ऑन टिल पी के टू द पावर अल्फा के, अगर ऐसा होता है तो व्हाट इज द नंबर ऑफ डिवाइजर्स, द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ओवर हियर शुड बी इक्वल्स टू सिंपली, द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ओवर हियर शुड बी सिंपली व्हाट, अल्फा वन प्लस वन इंटू अल्फा टू प्लस वन से लेके अल्फा के प्लस वन, ये हो जाएगा, दिस इज द नंबर ऑफ डिवाइजर्स, इट इज डी ऑफ एन, ठीक है। तो अगर मुझे यू नो आई एम रैंडमली चूजिंग अ फैक्टर ऑफ 10 टू द पावर 19, तो डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स और द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 10 टू द पावर 19, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में आना चाहिए द टोटल नंबर, द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 10 टू द पावर 19, दैट इज डी ऑफ 10 टू द पावर 19। नाउ आई नो 10 टू द पावर 19 कैन बी रिटन एज व्हाट, 10 to the power 19 is nothing but 2 to the power 19 into 5 to the power 19. So, yahan pe alpha 1 is equals to 19 or alpha 2 is equals to what? 19 again. So, d of this should be what? 19 plus 1 multiplied by 19 plus 1. So, that is 20 multiplied by 20 and that will be equals to 400. Okay. So, that will be the total number of divisors that you are going to find out for 10 to the power 19. So, mujhe denominator to mil gaya, badhiya. 400, ठीक है? So this is how you find out the denominator. Okay, from the previous class, if you remember, we learned this concept just in the previous class. ठीक है? तो अब मुझे क्या करना है? I have to find out the probability that the randomly chosen factor of 10 to the power 19 is a multiple of 10 to the power 15. So I have to basically ensure that the factor of 10 to the power 19 is greater than the factor greater than this one, greater than or equal to this number 10 to the power 15, hai ki nahi? So what are the different possibilities that the factor of 10 to the power 19 is greater than 10 to the power 15 and it is a multiple of 10 to the power 15? What are the possibilities? Okay, what are the possibilities? The possibilities are simply going to be like this, that is it can be either it can be either in this manner, like, okay, let me just write it in this manner, okay? So it's a factor of 10 to the power 19. So yeah, 10 to the power 19 wala jo factor hai, ye factor of 10 to the power 19 jo hai, divide by a 10 to the power 15 jo hai, this should be an integer, right? This should be an integer over here. तो वो जो ऊपर वाला फैक्टर है उसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दैट इट इज 2 टू द पावर ऑफ सम 15 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर सम 15 प्लस y इन ऑर्डर टू गेट कैंसिल्ड विद 2 टू द पावर 15 एंड 5 टू द पावर 15, राइट? ये 10 टू द पावर 15 इज व्हाट, 2 टू द पावर 15 इंटू 5 टू द पावर 15. तो उसको मुझे अगर ऊपर के साथ कैंसिल करवाना है तो आई शुड हैव अ x एंड अ y लाइक दिस. Now, what are the possible values of x? What are the possible values of x? Kya hoga? There are 0, 1, 2, 3, or 4 ho sakta hai? 5 ho sakta hai kya? 5 nahi ho sakta hai. Kyunki agar 5 ho jata hai, to wo 2 to the power 20 ho jayega. Aur 2 to the power 20 agar ho gaya, to wo 10 to the power 19 ka factor nahi banega phir. Hai na? Phir wo 10 to the power 19 ka factor nahi banega. To yahi 4 possibility hai. Okay, so how many possibilities of x are there? So how many possibilities? There are a total of 5 possibilities of x. Similarly, how many possible values of y are there? Okay, the number of possible values of y will be also 5. Okay, so what is the required probability in this case? The required probability is going to be simply the number of ways you choose x multiplied by the number of ways you choose y divide by the total number of factors, that is 400. So ye ho jayega 25 over 400 and that is 1 over 16. So option D will be the correct answer. Okay? This was a wonderful question, which is amalgamation of
the question from number theory as well as probability. ठीक है, बहुत ही बढ़िया question था. Number theory और probability का mix करके एक बहुत ही अच्छा question था. I hope everybody has understood how to do this question. ठीक है, did everyone understand? Okay. We will move to the next question now. ठीक है, अगला वाला जो question है, the last two steps once again. Okay, all right. You see. देखो मुझे क्या करना है, मुझे फैक्टर निकालना है ऑफ 10 to the power 19. अब 10 to the power 19 का अगर कोई भी फैक्टर होता है, ठीक है, ध्यान से देखना. ठीक है, ध्यान से देखना. दिस इज बेसिकली, मैं येलो से लिख रहा हूँ, 10 to the power 19 इज वॉट, इट इज 2 to the power 19 into 5 to the power 19. ओके, नाउ इफ आई हैव टू, if I have to find out a factor of 10 to the power 19, that then that factor of 10 to the power 19 should have powers of 2 and 5, which is less than 19, less than or equal to 19, isn't it? Yes, Koina? The factors should be less than or equal to 2 and, you know, less than 19 or less than or equal to 19 for 2 and 5 both, isn't it? लेकिन द दूसरा कंडीशन दैट आई हैव, लेकिन द दूसरा कंडीशन दैट आई हैव इज दैट मुझे तो ये इसका मल्टीपल भी चाहिए ना, मुझे इसका मल्टीपल भी चाहिए. तो अगर इसका मल्टीपल चाहिए तो ये 2 to the power ऑफ जो भी वैल्यूज होगा, ये वैल्यूज मेरा 15 और 19 के बीच में होना चाहिए, है ना. तो टोटल कितना पॉसिबिलिटीज है, टोटल 5 पॉसिबिलिटी है. फिर 5 to the power ये 15 और 19 के बीच में होना चाहिए, तो टोटल कितना पॉसिबिलिटीज है, 5 पॉसिबिलिटीज है, इसीलिए 5 into 5. समझ गए? डिड यू अंडरस्टैंड इट नाउ? ओके, ग्रेट, ऑसम. सो या, दैट इज हाउ यू बेसिकली डू दिस क्वेश्चन. ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा नहीं. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, तो तुम्हें नंबर थ्योरी का जो ये नंबर ऑफ डिवाइजर्स वाला कॉन्सेप्ट है, इसको याद रहना, ये बेसिकली याद होना चाहिए, और तुम्हें प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए. ठीक है ना, यहाँ पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है लेकिन ज्यादा नंबर थ्योरी है फॉर श्योर. ठीक है, ओके, चलो ग्रेट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, ये बहुत जगह पे ऐसे ही, मतलब बड़े बुजुर्ग लोग व्हाट दे डू इज, मतलब कभी भी शाम को ऐसे चाय में बैठे होते हैं और ऐसे टाइप का क्वेश्चन बच्चे से पूछ लेते हैं. ठीक है, तो जरूर इसको सॉल्व करो. इतना टफ है ये, टफ है तो क्या कर सकते, करना तो पड़ेगा. यू हैव चोजन फॉर आईपीएम, आईपीएम में ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. व्हाट डज एस मींस? ओके, एस का मतलब जब भी तुम एक whenever, यहाँ पे by the way यहाँ पे एस तो नहीं है ना, बट एस का मतलब बेसिकली वो कार्ड्स में होता है. इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी इफ आई से, देन इट्स इन कार्ड्स, बेसिकली कार्ड्स में एक एस वो वाला कार्ड होता है ना, बंगाली में पता नहीं, बंगाली में बोलते टिक का, बोलते टिक का कार्ड ऐसे काइंड ऑफ. ठीक है, तो बेसिकली देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कार्ड, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. उसके बाद एस होता है, फिर किंग होता है, जैक होता है.
ठीक है, और क्वीन होता है, तो वो बेसिकली एक एक कार्ड होता है जिसको एस बोलते हैं आउट ऑफ द आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स. एस इज नंबर वन और आउट ऑफ द 13 कार्ड्स एस इज 1 2 3 4. सो द फेस कार्ड्स आर किंग क्वीन एंड जैक और उसके बाद यू हैव द 10 अदर कार्ड्स. व्हाट आर दोस कार्ड्स? 1 2 9 एंड देन एस ना वन होता है क्या? टू टू टेन एंड देन एस. ओके अच्छा 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 चलो हाँ ठीक है. ज्यादा खेलता नहीं हूँ आजकल ये सब. बस मुझे वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस करना होता है वही उतना ही पता है, ज्यादा ज्यादा नहीं पता इसके बारे में. प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस में पता है कि एस जो होता है वो हर 13 कार्ड्स में एक होता है, एक किंग क्वीन जैक होता है और बाकी नंबर्स होता है. ये क्वेश्चन सॉल्व करो सब लोग, एवरीबडी. दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन फ्रॉम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. अ मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ on an average of 4 out of 5 times. He throws a die and reports that it is 5. What is the probability that it is actually a 5? This question was there in RT Sharma. तो फिर तो सॉल्व कर लेना चाहिए अच्छे से. चलो सॉल्व करो फिर. हाँ ऐसा ये टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है ये. ऐसे टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी आरडी शर्मा में आते हैं. चलो चलो एवरीबडी सॉल्व इट. इसको बेस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो, बेस थ्योरम लगा सकते हो. Option A. Okay. So again, I will ask you to explain. Tell me, guess it. Well, how is it option A? I'm confused in A and B, but I went okay. So I did this with Bayes theorem, and in Bayes theorem, what are the different events that you have considered? I had 3 events over here. P of E1 means the event 1 that is true. And okay, E1 is what? True, that the person is saying it is true. Person speaks the truth. Yes. And, okay. And uske baad? E2 is the false path.
the person speaks the false thing. Okay, let's not take consider it E2. It will be simply E1 complement, right? Agar false bol raha hai, then that is simply E1 complement. Okay, so this is false, and taking M as the case that actually it is true. So actually it is true. That means that actually it is true and the person speaks the truth, in me say difference kya hai? Over here it is said now that 4 out of 5 times he speaks truth. A man is known to speak the truth on average of 4 out of 5 times. So for that you have taken the event. You have already taken E1 as the event for that. I just took this as in the base theorem is the. Yeah, but what is M? M is what? What is the event M over here? It is actually true. I'm saying that that it is actually 5 over here. He throws a die and reports that it is 5. Okay, so event M, can I say that it is that he reported a 5 on the die? That is the event M. Okay. Yeah. Okay, so event M is he reported a 5 on the die. That is what it is, right? Okay. Now tell me what is something that I need over here? Can I tell it how I have derived? हाँ बताओ ना. हाँ तो that is the probability of E1 over here is 1 out of 6 times because the die is thrown and the sample space is 6. For one throw. Correct. So probability of E1 is going to be 1/6. That is absolutely correct. That is the probability of E complement is 5/6. Why is that probability of E1 equals to 1/6? Can you tell me once again? Because he is speaking truth only 1 time out of 5 times, right? Out of five times he is speaking 4 times as the truth. So yeah, the probability of E1 is not 1/6, nah. It should be equals to what? It should be equals to 4/5. Four times out of 5. Person speaks the truth. So probability of E1 is 4/5. Anna? Then I am doing something wrong with the answer. हाँ मोमिता बताओ. Yes मोमिता, tell me. पहले तो truth बोलने का उसमें ratio it will be 4/5 and false that will be 1/5. So probability yes. So of 5 probability will be... of E complement or E1 complement will be equals to 1/5. Yes. Then? Yes. Then there will be 5, like dice mein 6 cases hota hai and we have excluded 5. So it will be 5 cases, like 1, 2, 3, 4 and 6. Okay. Yeah. So 1/5 into 4/5 plus 5/6 into 1/5. अच्छा तुम वैसे करके कर रहे हो. देखो इसको सॉल्व करने का ये तरीका भी ऐसे ऐसे भी कर सकते हो. देखो व्हाट यू रिक्वायर यू हैव टू बेसिकली मतलब मैंने दो इवेंट ऐसे ले लिया. एक E1 दैट द पर्सन स्पीक्स द ट्रूथ एंड M इज दैट ही रिपोर्ट्स अ 5 ऑन द डाई. ओके व्हाट डू आई नीड द प्रोबेबिलिटी दैट आई बेसिकली नीड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन स्पीक्स द ट्रूथ when he has already said that it is a 5 on the die. This is what I need, right? Probability of E1 given M. Ab mujhe
बेस थ्योरम लगाना आता है, तो क्या मैं बेस थ्योरम लगा सकता हूँ यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एम गिवन ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम गिवन ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एम गिवन ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम गिवन ई वन कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, so this is what we can do. This is what? This is my Bayes theorem. Okay, this is the Bayes theorem. Now, according to Bayes theorem, what is probability of M given E1? M given E1 kya ho jayega? M matlab, he reported a 5 on the die, given that he has already spoken the truth. That means the probability of getting a 5 on the die, that is simply what? 1 over 6. Probability of getting a 5 on the die is simply 1 over 6. Okay? Multiplied by probability of E1, which we have already calculated over here, that is going to be 4 over 5 and divided by 1 over 6 into 4 over 5 plus probability of M given E1 complement. Matlab, ye kya hai? Ki what is the probability that you are going to get, what is the probability that he reported a 5 on the die, but it's known that he has not spoken the truth. That means बाकी सब चीजों का आने का पॉसिबिलिटी कितना है? ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 6 आने का पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? इट शुड बी सिंपली 5/6. ठीक है, मल्टीप्लाई दिस विद द ई वन कॉम्प्लीमेंट एंड ई वन कॉम्प्लीमेंट इज वॉट 1/5, तो ये हो जाएगा 1/5 ओवर हियर इन दिस वे. ओके, सो व्हेन यू डू दिस कैलकुलेशन यू विल टर्न इट, यू विल सी दैट दिस इज टर्निंग आउट टू बी 4/9. सो ऑप्शन ए 4/9 इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन. ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेस थ्योरम रिलेटेड क्वेश्चन है. बस आइडेंटिफाई करना था कि क्या करना है, एंड देयर यू गो, यू कैन डू द क्वेश्चन. ठीक है, चलो बढ़िया. ओके, सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन. हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये 2019 में आया था इंदौर में. ठीक है, दैट इज From a pack of 52 cards, we draw one by one without replacement. Okay? Now let's say f of n is the probability that ace is going to appear at the nth turn. Then, which of them is correct over here? Ace is going to appear in the nth turn. Then which of them is going to be correct over here? Okay, इसको मैं कर देता हूँ. ठीक है, solve करने की कोशिश करता हूँ. मैं solve कर देता हूँ. देखो, सबसे पहले f of 1 कितना होगा? What is the probability that an ace is going to appear on the very first turn? 1 over 13, simply. है ना? Simply 1 over 13 हो जाएगा. और तो कुछ नहीं होगा. मतलब पहले ही turn में मुझे ace मिल गया. मतलब मैं एक ही बार choose कर रहा हूँ. What is the probability of getting a ace? 1 over 13. Class 10th में किए थे. ठीक है? Now let's try to calculate f of 2. F of 2 का मतलब क्या है? F of 2 का मतलब ये है कि पहले टर्न में मुझे एस नहीं मिला, लेकिन दूसरे टर्न में मेरे को एस मिल गया है. ठीक है, तो पहले टर्न में एस नहीं मिला और दूसरे टर्न में एस मिलता है. पहले टर्न में एस नहीं मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 12/13. और दूसरे टर्न में फिर एस मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है? अब मेरे पास टोटल कितने कार्ड्स है? टोटल 51 कार्ड्स है. पहले 52 कार्ड्स था, अब मेरे पास 51 कार्ड्स है, बिकॉज विदाउट रिप्लेसमेंट. ठीक है, और टोटल एसेस कितना है? 4. तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/51. ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से. सिर्फ इतना कैलकुलेट करने से हो जाएगा क्या? इस विल आई गेट द आंसर इफ आई डू दिस? एफ ऑफ 2 का वैल्यू ये होना चाहिए क्या? Is this correct? This is what I'm asking. What is the probability that ace is going to appear on the nth turn? अब एक और possibility भी तो है कि पहला केस में मुझे एस मिला और दूसरे केस में भी मेरे को एस मिला. ऐसा भी तो हो सकता है. तो वो वाला possibility तो मैंने consider किया ही नहीं.
तो पहले यू नो फर्स्ट टर्न में मुझे मेरे मुझे एस मिल गया 1/30। अब दूसरे केस में भी मुझे एस मिल जाएगा, तो मेरे पास 51 टर्न्स है और टोटल एस अब कितना बचा है, पहले 4 बचा था, अभी 1 मिल गया और दूसरा अब कितना बचा है, 3 एस बचा है। तो दिस इज व्हाट एफ ऑफ 2 इज गोइंग टू बी, ठीक है। So this is what f of 2 is going to be. So if f of 2 is this one, now if we can calculate this value, इसको calculate करना उतना बड़ी बात है नहीं, ठीक है, इसको आसानी से calculate actually कर सकते हैं। देखो 12 into 4 कितना होता है, 48 होता है, plus 3 कितना होता है, 51 होता है, तो ये हो जाएगा 51 divided by 13 into 51, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/13। तो देखो ये option मेरे को दिख रहा है कि f of 2 1/13 है, और ये ऑप्शन में भी मुझे दिख रहा है कि f of 2 1/13 है, और ये वाला ऑप्शन में भी मुझे दिख रहा है कि f of 1/13 है, ऑप्शन बी गलत है, इतना मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे f of 3 को थोड़ा सा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो f of 3 को कैलकुलेट करते हैं। f of 3 का क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि पहले में एस मिला, ठीक है, दूसरे में भी एस मिला और तीसरे में भी एस मिला, इसको कैलकुलेट करने का पॉसिबिलिटी क्या है, 1/13 मल्टीप्लाइड बाय 3/51 मल्टीप्लाइड बाय 2/50। ये मतलब ऑल थ्री एसेस, तीनों में एस मिल गया, ठीक है, मतलब तीनों केस में मुझे एस मिल गया। फिर और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि पहले में एस नहीं मिला, पहले में एस नहीं मिला, दूसरे में एस मिल गया, ठीक है, 4/51, और तीसरे में भी एस मिल गया 3/50, ठीक है। फिर और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि पहले में एस नहीं मिला, फिर दूसरे में भी एस नहीं मिला मुझे, दूसरे में एस नहीं मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, दूसरे में एस नहीं मिलने का प्रोबेबिलिटी है 47/51, ठीक है, और तीसरे में मेरे को लेकिन एस मिला, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 4/50, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट हम बेसिकली कर सकते हैं, देखो तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर कैलकुलेट करना है। दैट इज 6 प्लस 12 इनटू 4 क्या है, 12 इनटू 4 इज 48, 48 इनटू 3 कुछ हो जाएगा, 48 इनटू 3 हो जाएगा 96 प्लस 48, दैट शुड बी इक्वल्स टू 144, प्लस ये हो जाएगा 12 into 47 into 4, अच्छा ये काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 12 into 47 into 4 इसको ऐसे ही रख देते हैं, एंड लेट से दिस इज 13 into 51 into 50, ठीक है। सो दिस विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू, this will turn out to be equal to, if you calculate this value, it will turn out to be equal to some, जल्दी जल्दी कैलकुलेटर में कर लेते हैं ना, कैलकुलेट लोग एग्जाम में बैठ के कर लेना थोड़ा सा। हाँ इसका क्या आ रहा है आंसर, इसका आ रहा है आंसर 802/850, ठीक है, 802/850। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है कि ये 1/13 से ज्यादा है कि ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसको अगर तुम लोग देख लोगे तो क्लियरली देखो 802 एक बहुत बड़ा नंबर है, 850 एक ऐसा नंबर है जो 802 के आसपास है, और 1/13 एक बहुत ही छोटा नंबर है, ठीक है ना, बहुत ही छोटा नंबर है। तो क्या ये ग्रेटर होगा कि लेस देन हो जाएगा, क्या होना चाहिए ये जो नंबर है, ये नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, नहीं ये एक्चुअली ना, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया यहाँ पे, दिस नंबर इज एक्चुअली मैं इस ये निकाला, ये वाला पार्ट निकाला, ठीक है। तो दिस इज 1/13 मल्टीप्लाइड बाय 802/850, ठीक है। अब दिस नंबर 802/850 is clearly less than 1, ठीक है? Now, so 1/13 into 802/850, this should be less than 1/13. So ये पूरा number is less than 1/13. So f of 3 is less than 1/13.
तो f of 1 1 upon 13 है, f of 2 1 upon 13 है, f of 3 less than 1 upon 13 है. ये ऐसा ऑप्शन मुझे कहां दिख रहा है? ये ऑप्शन ए दिख रहा है. तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ओवर हियर. ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस. तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था और आसानी से तुम लोग सॉल्व कर पाओगे अगर तुम ये अप्रोच लेके चल रहे हो तो. ठीक है, सबको समझ में आया क्वेश्चन? किसी को कहीं पे दिक्कत है तो पूछो. हाँ जी, किसी को कहीं पे दिक्कत है तो पूछ लो. दिक्कत नहीं है, बढ़िया. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन फ्रॉम आईपीएमएटी आई एम इंदौर इटसेल्फ, ओके 2019. बस ये और दो क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है. ठीक है, चलो. अ डाई इज थ्रोन थ्री टाइम्स and the sum of the three numbers is found to be equal to 15. Okay? What is the probability that the first throw is a 4? Bahut asaan question hai. Jaldi se try karo aur solve karo. Ye bahut asaan question hai. Sach mein asaan question hai. Option C, kaise batao? How is it option C? Explain. First throw is 4, then sum of numbers appearing on last two throws must be equal to 11. ठीक है, पहले अगर 4 है तो sum of the other throws should be equals to 11. That's correct. That means last two throws. Yeah, बताओ. That means last two throws will be are like 6, 5 or 5, 6, whatever. 6.5 और 5.6, that's correct. Yeah, okay. तो ये 5.6 हो सकता है या फिर 6.5 हो सकता है. ठीक है, फिर there are 10 ways to get that sum. How? As 15, I mean. 4, 5, 6 एक केस है, then 4, 6, 5 एक केस है. 4 + 5 + 6 एक केस है. नहीं, मैं पूरा थोड़ी कैलकुलेट करूंगा, पूरा the ऑल द केसेस में थोड़ी लिखूंगा. देखो पॉसिबल सम्स क्या क्या है. एक 4 + 5 + 6 हो सकता है. ठीक है, अब ये आपस में तीन तरीकों से ये 3 factorial ways में अरेंज कर सकता है. सो देर आर 6 ways ऑफ राइटिंग दिस सम. 4 + 5 + 6, 5 + 4 + 5, 5 + 4 + 6, then 6 + 4 + 5. इस तरीके से जितने भी हो सकते हैं, ये 6 तरीका हो सकता है, बिकॉज 3 factorial वेज में ये आपस में अरेंज कर सकता है. ठीक है, वन मोर पॉसिबिलिटी कैन बी सिंपली 5 + 5 + 5. ये आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकता है? सिर्फ एक ही तरीका है, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर सेम. ठीक है, नाउ अनदर तरीका इज वॉट, 6 + 6 + 3. ये भी तो एक सॉरी 6 + 6 + 3 नहीं, हाँ ये, हाँ 6 + 6 + 3, ये एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है. ठीक है, अब ये आपस में कितने तरीकों से कर सकता है अरेंज? 3 factorial by 2 factorial ways, so that will be simply 3 ways. So total कितना ways हो गया? 6 + 1 + 3, that is 10 ways. So how many ways to find out the sum of 3 numbers equal to 15? That is going to be 10. Okay, और ये कितना तरीका है? ये basically एक तरीका है, ये एक तरीका है. So total 2 ways are there. ठीक है, so 2 divided by 10, that is 1/5, and there you go. Option C is your answer. ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल छोड़ के आना ही नहीं है. ठीक है, और कोई और टाइप का ऐसा टाइप का क्वेश्चन अगर आता है, मतलब ये वाला क्वेश्चन अगर आता है, तो ये क्वेश्चन अगर तुम छोड़ के आते हो तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, लेकिन मतलब I will always want you guys to solve all these questions because मैंने पढ़ा तो सब कुछ दिया है तुम लोग को. ठीक है, so I will always want कि ये सब solve करके आओगे तुम लोग. Anyway, now comes another question. ठीक है, ये question है कि in a village there are only 3 sizes of families. ठीक है, families with 2 members, families with 4 members, and families with 6 members. ठीक है, the proportion of families with
2, 4, and 6 members are roughly equal. The proportion of families of 2, 4, and 6 member families are roughly equal. A poll is conducted in this village wherein a person is chosen at random and asked about his family size. Then what is the average family size by sampling 1,000 such persons from the village would be closest to what? ठीक है, ये कैलकुलेट करना है तुम्हें। चलो सॉल्व करने में लग जाओ एवरीबॉडी। याद है तुम लोगों को मैंने वो पढ़ाया था, एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एंड दैट वाज इक्वल टू व्हाट, आई इक्वल्स टू 1 टू एन एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पे वो वाला फंडा लगेगा। देखो एक्चुअली मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, तुम लोग देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये मुझे डिटरमिन करना पड़ेगा कि एक्स क्या लेंगे। एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, तो एवरेज फैमिली साइज बोला है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ठीक है, दैट्स फॉर श्योर, मीन है, ओके। नाउ एक्स इज व्हाट, तो मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले तो एक्स क्या है ये डिटरमिन करना पड़ेगा। मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है कि फैमिली साइज है ना, तो एक्स शुड बी नथिंग बट इट्स द फैमिली साइज, ओके, एक्स इज नथिंग बट द फैमिली साइज, ठीक है। नाउ व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, क्या क्या हो सकता है फैमिली साइज, क्या क्या है, एक 2, 4 और 6 है ना, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स हो जाएगा 2, 4 और 6। नाउ कैन यू टेल मी, can you tell me what is the probability that x is equal to 2? What is the probability that a person is chosen and that person's family size is 2? Kya hoga batao? All the families are roughly in equal proportion, so the family size will be what? That x is equals to 2. Aisa ek banda jo do family, do member ke family se aata hai, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 प्लस 6, है कि नहीं, 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 प्लस 6 ये हो जाएगा द प्रोबेबिलिटी दैट एक पर्सन इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन फैमिली ऑफ टू मेंबर्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 कितना होता है, 6, 6 प्लस 6, 12, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 6, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 4 अपॉन 12, दैट इज 1 अपॉन 3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू 5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सॉरी, एक्स इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 6 अपॉन 12, दैट इज 1 अपॉन 2। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एवरेज फैमिली साइज, ओके, मुझे निकालना है एवरेज फैमिली साइज। अब एवरेज फैमिली साइज क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या होता है, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, तो एक्स मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 3 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2, ठीक है। क्या मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ आसानी से, हाँ मैं इसको कैलकुलेट तो जरूर कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 3, ठीक है, प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 3 प्लस 3। अब 5 अपॉन 3 का डेसिमल वैल्यू क्या होता है, 5 अपॉन 3 का डेसिमल वैल्यू क्या होता है, 1.667 प्लस 3 यानी कि 4.667। क्या मुझे आंसर में दिख रहा है 4.667, हाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी, देयर यू गो, ठीक है, इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये है तरीका इसको सॉल्व करने का। तो अब तुम्हें दिख रहा है कि मैं जो तुम लोगों को पढ़ा रहा था
प्रोबेबिलिटी, नंबर थ्योरी. बहुत लोगों को मुझे पता है कि बहुत लोग, मैं जब प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा था, मुझे पता है बहुत लोगों को ऐसा फीलिंग आ रहा था कि यू नो मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, इतना पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये सब क्या पढ़ा रहे हो, बाकी इंस्टीट्यूट्स में तो ये सब नहीं पढ़ाते हैं, ओके तो तुम आप क्यों पढ़ा रहे हो ये सब, है ना. इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस. ये कैट नहीं है, ये कोई दूसरा बीबीए एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ये कोई दूसरे कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ये आईपीएमईटी आईएम इंदौर है जहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ, कुछ भी मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है. मैं तुम लोगों को ऐसे जानबूझ के ये सब पढ़ा रहा हूँ. ऑलराइट, चलो, दीज आर द क्वेश्चंस which came in IIM Indore wala IPMAT, ठीक है. तो बहुत अच्छा है ये सब है. आप बताओ तुम लोगों का कुछ questions है subject से related, exam preparation से related, मैं explain मैं बता सकता हूँ. हाँ जी, कुछ question वगैरह है तो बता दो. The questions from Fermat's Rigorous Theorem and Chinese Remainder Theorem, how will we do that? Did you just post some videos over there? The questions from Chinese Remainder Theorem and Euler's Theorem and all those stuff, I have already given you the slides, right? Just try to go through the slides once and try to read from there. And also in tomorrow's class, I will be covering all the questions from number theory का जो previous year's question है. तो उससे related अगर कोई question आता है तो वहीं पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है. Geometry का questions हम लोगों ने already बहुत सारे solve किया था in the class, but previous year's geometry question हम लोगों ने solve किया था ना, solve किया था कि नहीं बताओ. Previous year's questions हम लोगों ने solve किया था ना geometry का. Yes or no? Yes or no? Solve किया था ना. चलो फिर क्या पूछ रहे हो. ज्योमेट्री, ज्योमेट्री तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था प्रीवियस ईयर, जितने भी क्वेश्चन है सब सॉल्व किया था हम लोगों ने, ठीक है. और क्या विशाल क्या पूछ रहे, इफ डिफिकल्ट एंड न्यू क्वेश्चन सिमिलर टू दीज टॉपिक्स फॉर द पीपल हु अटेम्प्टेड इन 2019, शुड वी लीव देम? इट टोटली डिपेंड्स. पहले तो तुम्हें क्वेश्चन पेपर एक बार स्किम कर लेना चाहिए टू अंडरस्टैंड और असेस द लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड योर लेवल, कि तुम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कौन सा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू बेसिकली अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. तो बेसिकली ये इस तरीके से सॉल्व होगा, मतलब इट इज डिफरेंट फॉर एवरी डिफरेंट पर्सन. ओके, आई कैन नॉट से टेल अ स्ट्रैटेजी फॉर यू, यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी बिकॉज every person is different, every person has their strengths and weaknesses. Somebody may be good in geometry, somebody may be good in probability, somebody may be good in number theory, somebody may be good in the arithmetic chapters. So what you have to do is you have to assess yourself and see ki mujhe kaun sa question sabse zyada matlab solve karna hai, aur agar aisa type ka questions aate hai to thoda sa main dimag lagaunga. ओके, अगर बहुत ज्यादा वहां पे स्टक हो रहे हो, इफ यू आर स्टक एट वन क्वेश्चन फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन आई विल रिकमेंड दैट ओके जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर हैंड, बहुत क्वेश्चंस है सॉल्व करने के लिए, सब अगले क्वेश्चन पे चले जाओ. यू आर श्योरली गोइंग टू गेट द क्वेश्चंस व्हिच यू कैन सॉल्व. ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि मतलब तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, ऐसा होगा ही नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है. ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि तुम जो तुम सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है. तो तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड द क्वेश्चन, यू सी दैट अच्छा ये क्वेश्चन लग रहा है मैं सॉल्व कर पाऊंगा, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो. डू अ फ्यू स्टेप्स ओके, एंड देन after that you will be basically attending the, you know, you will be able to assess that whether I will be able to go ahead with this or whether I should be leaving it. Totally depends on you.
seven mock tests in 17 days, they will be of the new pattern, right? Yes, they will be of the new pattern. Yes, yes, everybody. Yes, that's correct. Let me see. Kya kar sakte iske baare mein? I have told everybody to get to work about this. Now, let's see. Mock analysis, मतलब वही जो क्वेश्चन है उसी का एनालिसिस ना. ओके आई विल टॉक टू द पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ दिस थिंग. ओके एंड आई विल लेट यू नो अबाउट दैट कि मॉक एनालिसिस वगैरह ये किस तरीके से दे रहे हैं. मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं पता, बट आई विल टॉक टू दैट पर्सन एंड गेट बैक टू यू. एंड न्यू पैटर्न और उसके बेसिस पे व्हाट स्कोर विल बी सेफ, व्हाट इज अ गुड स्कोर अकॉर्डिंग टू मी. दिस इज एन एग्जाम which totally depends not only on you, but on all the other persons who are giving the exam as well. All the other people who are giving the exam as well. Agar wo log achche karte hai, to tum kuch nahi kar sakte ho. Matlab tumse achcha kar liye, to bas, ho gaya. Tumhara kuch nahi ho sakta phir. Theek hai? Irrespective of how well you perform according to you. So what you have to do over here is that, try your best. Don't think about a very good score or something like that. In your exam, the strategy should be something like this. That is, skim the question paper, see what are the questions that you can attempt, what are the questions that you are comfortable with. Attempt those questions. If you get stuck, move on to the next question. Okay. And this is how you do the question. Give your 100% in the examination. That's it. Okay. Don't think about the scores. Ki mujhe itna score lana hai. ऐसा मतलब कुछ नहीं है, बट एज्यूम कि एटलीस्ट मुझे 50% क्वेश्चन पेपर तो करके आना ही है. ठीक है, एटलीस्ट 50% क्वेश्चन पेपर तो करके आना ही है. या फिर अटेम्प्ट 60% का रखो, 60% ऑफ द क्वेश्चन पेपर, देन मे बी यू विल बी एबल टू डू 50%. ओके, सो टेक दिस एज द गोल फॉर द क्वांट्स सेक्शन. और इंग्लिश के लिए अलग है. इंग्लिश के लिए यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस करना है, सब कुछ करना है, अच्छे से करना है. ठीक है, बस फिर यही है. और क्या, और तो और कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल टेक अ लीव फ्रॉम हियर. आई विल मीट अगेन टुमारो विद द नंबर थ्योरी क्वेश्चंस. ठीक है, तो कल हम लोग प्रीवियस ईयर्स नंबर थ्योरी वगैरह का क्वेश्चंस कर लेंगे, नंबर थ्योरी का क्वेश्चंस एंड अ फ्यू अदर क्वेश्चंस एज वेल. ठीक है, तो वो सब हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे. चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस.